आज तो राजमा चावल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड आज राजमा चावल बनाते हैं। बहुत ही मज़े का बना है, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूड एंड किचन। तो फ्रेंड आज के किचन में हम लोग बनाएंगे राजमा और चावल। तो चलिए यहाँ पर राजमा लेते हैं और यहाँ पर 1 कप हमने राजमा को भिगो के रखा था 5 से 6 घंटे के लिए। तो चलिए हम लोग इसे बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने के लिए यहाँ पर कुकर रख लिए हैं और इसमें पानी ऐड करेंगे और हल्का सा नमक ऐड करेंगे, बाकी के नमक हम लोग बाद में ऐड करेंगे। और इसे कवर करके 4 से 5 सीटी लगा लेंगे और ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 5 सीटी हमने लगाया और अच्छे से बॉयल हो चुका। तो चलिए अब इसे तड़का लगाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ऑयल हमने डाल दिया है कुकर में और यहाँ पर गरम मसाले खड़े ऐड कर रहे हैं। आप अपने मनपसंद से गरम मसाले इसमें ऐड कर लीजिएगा और इसे बिल्कुल खड़ा ही ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पर 3 हरी मिर्च, लहसुन और 3 प्याज हमने कट किया था और इसे ऐड कर रहे हैं। तो चलिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे सॉफ्ट होने के लिए वेट कर लेते हैं। सॉफ्ट होने के बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए इस पर हम लोग मसाले अब ऐड कर लेंगे। मसाले में हमने पाउडर वाला यहाँ पर मसाले ऐड किया, चिकन मसाला और हल्दी थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। प्याज खुद मसाला में काम करता है, लहसुन प्याज, तो उसे ग्रेवी ठीक बनेगी। और इसे फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए फिर फ्राई हो चुका है, काफ़ी अच्छे से हो गया, तेज होने लगा है। तो इसमें हम लोग राजमा ऐड कर लेते हैं, जो बॉयल करके रखे हैं राजमा उसे मिक्स कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम लोग साथ में फ्राई करेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर राजमा के अंदर अच्छे से चला जाए। और यहाँ पर नमक भी ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस प्रोसेस से बनाएंगे आप। और यहाँ पर फ्रेंड ये वाला प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, लहसुन को बाद में डालिएगा, थोड़ा सा बचा के रखे रहिएगा। और इस टाइम पे लहसुन डालने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो फ्रेंड इस तरह से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे और पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसका ग्रेवी पतला नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा थिक रहता है, तो चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो चलिए फिर अभी हम कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और 3 से 4 सीटी लगाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर 4 सीटी लगाया हमने और ये देखिए काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए हम इसे सर्विंग बॉल में डालते हैं और यहाँ पर देखिए, तो चलिए हम लोग चावल और राजमा के साथ सर्व करते हैं। तो ये फ्रेंड देखिए सर्व कर दिया हमने। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।